duje ke vaaste. महसूस कर रही बेटा तू अब? दर्द हो रहा है? दाएं पैर में मेजर स्प्रेन है। 10 दिन तक इंजरी पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, वरना इंजरी बढ़ सकती है और सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। सो 10 दिन तक कंप्लीट आराम की जरूरत है आपको। मैं कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, टाइम से ले लीजिएगा। अरे मैं हूँ ना सुमन का सारा बोझ उठाने के लिए, नो टेंशन एट ऑल। पर 10 दिन तो सगाई? आंटी जी, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि सुमन ठीक हो जाए। सगाई की डेट हम पोस्टपोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सगाई उसी दिन होगी जिस तारीख पे तय हुई है। आप लोग मेरी चिंता मत करो, मैं तब तक ठीक हो जाऊंगी। पर सुमन, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, अभी सुमन को आराम करने दो। मैं इसके लिए दवाई लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज आप आइए मेरे साथ। तो बस भगवान की कृपा रही बेटा, जो तू बाल बाल बच गई। तू अब आराम कर, बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं तेरे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ, तुम सब उसके साथ बैठो, मैं जूस लेकर आती हूँ। हाँ चलो, अब सच सच बताओ, क्या दुश्मनी है उस ट्रक वाले के साथ तुम्हारी, जो अपनी गाड़ी से उसका ट्रक उड़ाने का प्लान बना लिया तुमने? विक्रम, ये जोक है, उसे चोट लगी है, लेट हर रेस्ट। या ये चोट है? अरे तुम्हें क्या पता, हमारी कैप्टन तिवारी के लिए ये एक छोटी मोटी खरोच है ना सुमन? तुम देखना, ये जो चोट है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुमन को। आई वुड लव टू सी दैट, पर मेरी शाम की फ्लाइट है, सो बैक टू मुंबई। तुम जा रही हो? या वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा दिन रुक गई हूँ यहाँ, तो अब जाना पड़ेगा। आई विल मिस यू गाइस, यू टेक केयर। ओके, have a safe journey Sophie, bye, take care now, bye, bye. आप भी आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। bye, 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 मैं भी थक गई हूँ तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, तुम आराम करो। अच्छा सुन, मैं नीचे ही हूँ, कुछ भी चाहिए होगा ना तो बस एक टेक्स्ट कर देना। ओके या ओके। सुमन देखो, तुम इस सगाई के डेट को लेके ना जरा भी स्ट्रेस मत लो। ओके? स्ट्रेस नहीं विक्रम, मैं तो सच में दिल से चाहती हूँ कि सगाई की डेट आगे ना बढ़े, जिस दिन तय हुई है ना उसी दिन हो जाए। सगाई के लिए हाँ कहने के लिए खुद से बहुत लड़कर ये हिम्मत जुटाई थी विक्रम, अगर तारीख आगे बढ़ा दी तो पता नहीं मैं फिर से ये कर पाऊँ या नहीं। प्लीज़ ऐसे मेरा टेस्ट मत लेना, क्योंकि इस बार अगर हिम्मत टूटी तो उसके साथ मैं भी पूरी टूट जाऊँगी। हाँ बंटी। हाँ मियाँ, चंडीगढ़ पहुँच गई है? हाँ यार, जस्ट अभी अभी पहुँचा हूँ, और अभी तो कैब में हूँ, सीधा कैंट जा रहा हूँ यार। अच्छा क्या हुआ बंटी, सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मियाँ वो आज कैंट जाते समय ना उस सुमन का एक्सीडेंट हो गया। क्या? पर परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। प्लास्टर अस्तर भी लगा दिया और डॉक्टर ने जी कह भी दिया कि कुछ दिनों में वो सही सलामत हो जाएगी। हैं ठीक है। हेलो हेलो मियाँ, हेलो मियाँ, भी ना पूरी बात सुने भी नहीं कॉल काट दिया। हेलो
चले तो गए हो श्रवण, अब क्यों फोन कर रहे हो? अब हम क्या हालचाल पूछ के मौसम की बात करेंगे? मैं भी ना फालतू बातें सोच के टाइम वेस्ट करती हूँ। फौरन फोन उठा लेती तो क्या हो जाता? पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। कहीं कोई अर्जेंट बात हुई तो पता नहीं अब फिर से कॉल करेगा भी या नहीं। कहती कुछ और है, ओ, जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम तो वैसे भी अब तक चंडीगढ़ पहुंच चुके होगे, वहां से कुछ कर भी नहीं पाओगे तो हालचाल बताने का नो पॉइंट। हाँ, यहां से कुछ कर नहीं सकता, पर तुम्हारे हाल के बारे में तो पूछ ही सकता हूं ना। क्यों, भोपाल में क्या हो रहा है ये जानकर क्या होगा? तुम्हारे लिए जाना इम्पोर्टेंट था, चले गए। अब मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स मैं खुद हैंडल कर लूंगी, ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं है श्रवण। जी, हाय जी, हाउ आर यू? फ्लावर्स और ये चॉकलेट। विक्रम, ये सब क्या है? इनकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे कैसे नहीं थी जरूरत? हाँ, अब देखो ऐसे लेटे लेटे उदास हो जाओगी, बोर हो जाओगी, तो जो फूल है इसकी फ्रेश खुशबू जो है वो आपके चेहरे पे स्मेल लाएगी, चीयर अप करेगी आपको। अच्छा, और ये चॉकलेट? अब चॉकलेट से तुम आजकल दवाई खा रही हो ना, तो टेस्ट वेस्ट खराब हो जाता होगा। नहीं तो चॉकलेट खाएं और टेस्ट को अच्छा रखें, तो हो गई ना दोनों चीजें जरूरत की, क्यों बांटना? ऑफ कोर्स। और बाकी के किसी भी काम के लिए मैं तो हूं यहां पे तुम्हारे सामने, बस ऑर्डर दो। वैसे कंचन, तुम्हें शॉपिंग नहीं जाना था आज? जाना तो था, पर इट्स ओके, सुमन को अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अकेले गए, मैं हूं ना यहां सुमन के साथ। आई नो यार, पर इट्स ओके विक्रम, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बाद में भी हो जाएगा। इस घर में कोई भी हिंट की लैंग्वेज क्यों नहीं समझता है? देखो कंचा जी, मुझे सुमन के साथ थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना है, सो प्लीज अगर आपकी परमिशन हो तो भगवान के लिए आप शॉपिंग के लिए चले जाए ना आज। बाप रे बाप, कितना ड्रामा करते हो तुम। चल सुमन, कम से कम इसी बहाने तेरा एंटरटेनमेंट तो हो जाएगा, मैं ना शॉपिंग करके आती हूँ। अच्छा, तुझे कुछ चाहिए क्या? देखो सुमन को जो भी चाहिए उसके लिए मैं हूँ, एट योर सर्विस मैम। हाय, काश मेरी भी लाइफ में कोई होता जो मेरा इतना ख्याल रखता, ये सब चॉकलेट और फूल लाता। जल्दी मिल जाएगा, थोड़ा सबर तो रख। Hopefully. अच्छा मैं जा रही हूँ, तो अपना ध्यान रखना, ओके? ध्यान रखना मेरी बहन का। हाँ, आराम से आना। बाय। विक्रम, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरूरत कैसे नहीं थी? और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। अब वैसे भी श्रवण का कमरा खाली हो गया होगा ना, उसकी जगह ले लेता हूँ मैं। नहीं तो कैसा लगा आपको आपका नया पीजी? आंसर है ना? अब विक्रम, नहीं नहीं परफेक्ट है, अब जाके मैं सेटल हो जाता हूँ उस कमरे में। और हाँ, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तो बस एक कॉल कर देना, भागा चला आऊंगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो ना, मैं ही रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ओके? या बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ओके?
थैंक्स विक्रम, वो दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो जाना क्या कैसे? एक्चुअली तुमने बिल्कुल सही कहा था, उतनी दूर तुम्हें करी क्या बात, सिवाय मैसेजेस पे सवाल के तो बस आ गया। मतलब तुम भी ना सुमन, आज तक ना मुझे समझ पाई ना मेरे जोक्स को, मजाक कर रहा था। अब तुम ही बताओ, अगर डिपार्चर टाइम पे कोई गलत गेट पे जाके खड़ा हो जाएगा तो फ्लाइट तो मिस होगी ना। तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई, पर तुम्हारी फ्लाइट तो सुबह की थी ना, तो फिर तुम इतने समय कहां थे? ये दोस्त लोग ना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, मैं एयरपोर्ट से वापस आ रहा था तो दो चार मिल गए रस्ते में, अब उनके साथ टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। मतलब कि तुम्हें पता था कि मुझे चोट लगी है, पर तुम्हें इतनी सी भी तमीज नहीं है कि कॉर्टसी के लिए ही सही एक बार आके देख ही लो कि कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी। क्या हुआ? बाथरूम जाना है। तुम्हारे आने से पहले भी तो जा ही रही थी ना, डोंट वरी आई मैनेज। सुमन, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, अब बस थोड़ी देर सो जाऊंगी। श्रवण, आज की तो फ्लाइट मिस हो गई तुम्हारी, अब कब वापस जा रहे हो? देखता हूं। मुझसे प्यार नहीं करते ये बात मैं फिर भी समझ सकती हूँ, अभी तक समझा रही हूँ खुद को किसी तरह कि तुम्हारे दिल में वो जगह अब मेरी नहीं है, पर तुम्हें मेरी परवाह भी नहीं है श्रवण। अगर भोपाल में ही थे तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अपने फ्रेंड्स के साथ दिन बिताया तुमने, प्यार नहीं सही पर इतने सालों का रिश्ता तो है ना हमारा।
अब तुम ही बताओ, अगर डिपार्चर टाइम पे कोई गलत गेट पे जाके खड़ा हो जाएगा तो फ्लाइट तो मिस होगी ना? चंडीगढ़ से भोपाल, इसका मतलब श्रवण चंडीगढ़ पहुंच चुका था और वापस फ्लाइट पकड़ के आया मेरे लिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.